वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एस्पायरेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल से कैसे पल्प निकालते हैं, उसका गूदा निकालते हैं और उसका कैसे आइसक्रीम बनाने के लिए उपयोग करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या क्या बन सकता है कस्टर्ड एप्पल में, मतलब सीताफल में, यह आइसक्रीम बन सकता है, स्क्वेश या खीर आदि। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। पहला है सीताफल से पल्प निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले गूदा निकालने हेतु चयनित फलों से छिलका को अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद पल्पर मशीन से गूदा को निकाल लेते हैं और बीज को अलग कर लेते हैं। इसके लिए जो मशीन यूज़ करते हैं उसका क्षमता करीब 50 से 60 किलो प्रति घंटा रहता है। ठीक है, 50 से 60 किलोग्राम प्रति घंटा इसका क्षमता है मशीन का। फिर क्या करते हैं, गूदे में परिरक्षित जो पदार्थ है पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड या पोटेशियम नाइट्रेट 0.5 ग्राम प्रति किलो गूदे की दर से मिक्स करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसको पॉलीथीन में पैक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पैकिंग किए हुए गूदे को -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ्रीजर में रख देते हैं। ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस में पैक करके रख देते हैं इसको। फिर दूसरा प्रोसेस है सीताफल से आइसक्रीम तैयार करना। ठीक, इसमें क्या करते हैं, आइसक्रीम तैयार करने के लिए सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम लेते हैं। ठीक है, और क्रीम को 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हैं अच्छे से। उसके बाद क्रीम में शक्कर पाउडर मिलाते हैं, उसको भी हमको अच्छे से मिलाना है ताकि वो क्रीम में ठीक तरीके से मिक्स हो जाए। फिर क्रीम में शक्कर मिलाने के बाद सुगंधित दूध मिलाते हैं, फिर उसमें दूध मिलाते हैं, उसको भी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, फिर मिक्स क्रीम में सीताफल पल्प मिलाते हैं और अच्छी तरीके से मिल करते हैं। उसके बाद फिर उसमें जो हम गूदा निकाले हैं सीताफल से उसको मिला लेते हैं। ठीक है, फिर तैयार आइसक्रीम को डिब्बों में भर लेते हैं और उसको -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 7 से 8 घंटे के लिए रख देते हैं। ठीक है, ये जो तैयार मिक्स है, मिक्सिंग प्रोडक्ट है, उसको हम लोग -18 डिग्री सेल्सियस में रख देते हैं 7 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद ही हम इसका खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कस्टर्ड एप्पल का कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं और उसमें कैसे वैल्यू एडेड एडिशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है सीताफल से आइसक्रीम बनाने का प्रोसेस। ठीक है, और ऐसे ही नया तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।